दोस्तों अगर फिल्मी दुनिया के एक्सपर्ट की माने तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के चलते जून के महीने में हमेशा हॉलीवुड फिल्में ही रिलीज होती रही हैं। यह सिलसिला जारी है, पर इस साल जून के महीने में दो बॉलीवुड फिल्में शाहरुख खान की जवान और प्रभास की आदि पुरुष की घोषणा काफी पहले ही हो गई है। लेकिन ऐन मौके पर जवान के आगे जाने से सारा रिलीज कैलेंडर गड़बड़ा गया। इसका सीधा फायदा हॉलीवुड की फिल्मों को मिला, क्योंकि जून की छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने जा रही है। किसी दूसरे क्रिएटर ने इस महीने में अपनी किसी बड़ी फिल्म का दाव खेलना ठीक नहीं समझा। ऑफ कोर्स अगर कोई बड़ी फिल्म थिएटर पर रिलीज होती है तो दूसरे क्रिएटर उसके कम से कम 2-3 हफ्ते तक अपनी फिल्में रिलीज नहीं करते। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के जून में रिलीज होने के चलते ज़्यादातर फिल्म मेकर ने इस महीने से पहले ही अपनी अनाउंसमेंट के जरिए अपनी फिल्मों को पोस्टपोन कर दिया था। फिल्मी दुनिया के मुताबिक 23 जून को भी कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। जून में कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इस दिन अजय देवगन की मैदान रिलीज होनी थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज को एक बार फिर से टाल दिया गया। लेकिन हॉलीवुड फिल्म द फ्लैश जरूर 15 जून को ठीक आदि पुरुष के रिलीज होने से एक दिन पहले रिलीज हो रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, राम सिया राम, सिया राम जा जय राम। रामायण की इस चौपाई के साथ अपनी फिल्म की मंगल कामना करते हुए फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज किया था। इस फिल्म से पहले ऐसे VFX और स्पेशल इफेक्ट कभी भी देखे नहीं गए। इस फिल्म के जरिए भारतीय सभ्यता की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाइज तरीके से पेश किया गया है। ये फिल्म भगवान राम के जीवन पर पूरी तरह आधारित है। इस फिल्म के हर किरदार को एक नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। आदि पुरुष के रूप में प्रभास और तिलोक विजेता लंकेश के रूप में सैफ अली खान नजर आएंगे। फिल्म में कृति सेनन माता सीता के रूप में और सनी सिंह लक्ष्मण किरदार में नजर आएंगे। वैसे तो फिल्म की शूटिंग 10 नवंबर 2021 को पूरी हो गई थी और फिल्म को 11 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होना था, लेकिन फिल्म मेकर्स ने 7 नवंबर 2022 में एक स्टेटमेंट जारी कर यह जानकारी दी कि अब यह फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघर में रिलीज की जाएगी। आइए जानते हैं फिल्म का नाम आदि पुरुष क्यों रखा गया। आदि पुरुष फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि आदि पुरुष का मतलब क्या होता है, कौन है आदि पुरुष। इस सवाल का जवाब स्वयं भगवान विष्णु भी जानना चाहते थे। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान राम से पहले जो भी अवतार हुए उन्होंने सृष्टि को स्थापित और व्यवस्थित करने का काम किया था। लेकिन भगवान विष्णु ने राम अवतार में मनुष्यों के लिए आदर्श व्यवस्था और मानवीय मूल्यों की आधारशिला रखी थी, इसलिए भगवान राम को भी वर्तमान समाज में आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। भगवान राम को वह आरंभिक पुरुष माना जाता है जिन्होंने सभ्य समाज व्याख्या की थी। आदि पुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बहु प्रतीक्षित महाकाव्य नाटक है। फिल्म में अभिनेता प्रभास भगवान श्री राम की मुख्य भूमिका में है, जबकि सैफ अली खान रावण की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का पर्पस रामायण की कहानी को भव्य और विजुअली शानदार तरीके से पेश करना है। आदि पुरुष एक बहुभाषी फिल्म होने की उम्मीद है, जिसके कई भारतीय भाषाओं में एडिशन भी जारी किए जाएंगे। अब देखना है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में क्या धूम मचाने वाली है और कैसे रामायण का इतिहास फिर से धूम मचाने वाला है। जज्बा में आज यहीं तक, कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। नमस्कार।